और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले के बाहर बाहर जो है वो भीड़ जुटी हुई है। भोपाल से तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। बंगले की नेम प्लेट पर आपको बता दें कि मामा का घर लिखा हुआ है। तो संदीप हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। संदीप, सबसे पहले हमें तस्वीरें दिखाएं कि नेम प्लेट पर आखिर क्या लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, और अब जो है आप देख सकते हैं, इस वक्त वर्षा दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि जो कल मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हमें और जो पता है वो भले ही B8 हो 74 बंगले, लेकिन वो उसका नाम हमने मामा का घर रख दिया है। पहली तस्वीर है एक्सक्लूसिव, आप देख सकती हैं मामा का घर जो है वो यहाँ पर जो नेम प्लेट है या जो साइन बोर्ड है वो लगा दिया गया है। काफी इस पे साफ तौर पर लिखा हुआ है मामा का घर। कुल मिलाकर एक जो छवि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बनाई हुई है, जो मामा की या फिर जो भाई की, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से मामा कहलाए जाने की बात हो या फिर लाडली बहना के माध्यम से मामा कहलाए जाने की बात हो, भांजियों को लेकर हमेशा से ही संवेदनशील रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और अब सीधे तौर पर जो है वो यहाँ पर लिख दिया गया है मामा का घर। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। आज से पता जो है B8 जहाँ शिवराज सिंह जी रह रहे हैं मामा का घर। जी मामा का घर है हमारे लिए, तो यही मुख्यमंत्री है और वो भी हैं। और मामा मध्य प्रदेश के मामा ही नहीं, पूरे भारत के ही भांजियों के और भांजियों के मामा है, और हमारे तो मामा है ही और मध्य प्रदेश के लिए। क्या संदेश देना चाहते हैं इस जो साइन बोर्ड लगाया जा रहा है? साइन बोर्ड का संदेश ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हैं और ये मामा के नाम से फेमस हैं, इस वजह से मामा का घर के नाम से यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और मामा के नाम से ही जाने जाते हैं। मतलब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं, मामा, मध्य प्रदेश के मामा है ये। अब मामा का घर हो गया, ये क्या संदेश है इसके पीछे? संदेश ये है कि मामा का घर हो गया, सभी लाडली बहनें आएंगी मामा से मिलेंगी, मामा सब कहते सी हैं इसलिए सबको मिलेंगी वो वहाँ। तो आप देख सकते हैं वर्षा, साफ तौर पर जो अभी अभी जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। अभी भी जो है वो जो साइन बोर्ड है या मामा का घर का जो बोर्ड लगाया गया है तो उस पर जो है आज से जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बंगला है वो उत्तर बंगले में स्थित दोगा। साफ तौर पर राजनीतिक संदेश भी देने की कोशिश है, क्योंकि जिस तरह से कल जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा में कहा था कि अब हमारा पता जो है वो भले ही B8 हो, लेकिन जो मामा, ये जो B8 है मामा के घर के नाम से, जो मामा के घर के नाम से जो कहलाया जाएगा या जाना जाएगा, मामा का घर मतलब साफ तौर पर जो लाडली बहने हैं, लाडली लक्ष्मी हैं, वो यहाँ पर सीधे संवाद कर सकती है। अभी भी काफी जो भीड़ है वो यहाँ पर धीरे धीरे पहुँचती है, रोजाना का ही ये पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का लोगों से मिलने जुलने का जो सिलसिला है, अब वो इस मामा के घर पर, मामा के घर से। संदीप, कल जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान का बयान आया और उसके बाद से ये मामा का घर नाम में जो ऐसे तब्दील कर दिया गया है, राजनीतिक संदेश तो यहाँ से कई जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब संगठन में उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी की जा रही है, और ऐसे में अगर उन्हें कोई बड़ा पद दिया जाता है तो क्या उसके बाद भी ये मामा का घर ही कहलाएगा? शिवराज सिंह चौहान हैं वो जगह जगह जब भी सभाएं लेते थे या जगह दौरे पर या भ्रमण कार्यक्रम में रहते थे सीधे तौर पर, अब जो है वो मामा का घर इसको एक नाम दिया गया है। आप आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो है अब धीरे धीरे और भी लोगों को पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि राजनीतिक संदेश कई हैं वर्षा इसमें, क्योंकि अब माना जा रहा है कि जो केंद्रीय और शीर्ष नेतृत्व है वो नई भूमिका जो है वो शिवराज सिंह चौहान की धीरे धीरे गढ़ रहा है। दक्षिण भारत की जो जो राज्य हैं वहां पर उन्हें ये सौंपा शिवराज सिंह चौहान
सिंह चौहान की मुलाकात हुई थी, तब ये सामने आया था कि अब नई जिम्मेदारी से अब नई जिम्मेदारी के लिए तैयार हो रहे हैं। और लेकिन ये जो राजनीतिक या सामाजिक जो क्षेत्र हैं, दोनों ही क्षेत्रों में अभी वो सक्रिय दिखाई देने वाले हैं। वर्षा बिल्कुल, लेकिन अब चूंकि मामा का घर हो गया है संदीप, और ऐसे में क्या जो लाडली बहनें हैं, भांजियां हैं, उनके लिए अब हमेशा मामा के द्वार खुले रहेंगे, वो कभी भी मिल सकते हैं अपने भाई से, अपने मामा से। जी बिल्कुल, कभी भी जो है वो यही संदेश है इसका कि मामा के घर जितने भी भांजे भांजी आएंगे या फिर जो लाडली बहनें हैं वो पहुंचेंगी, तो साफ तौर पर एक अपनापन या एक संवेदनशीलता जो है रिश्तों में, गर्माहट इसे कह सकते हैं वर्षा, वो दिखाई देने वाली है। और हमेशा की तरह जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो फील इन टच, जो एक आम जनता के साथ उनकी जो टच बोट है या जो आम जनता के बीच उनकी लोकप्रियता है, वो कहीं ना कहीं यही इस मामा के घर के माध्यम से आज से और देना शुरू हो जाएगा। चूँकि अब वो राजनीतिक क्षेत्र में तो सक्रिय हैं ही, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी गहरी पेट मामा के या भाई के नाम से बना रखी है, तो अब इसको और चलिए संदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।